करनी पड़ेगी। जब तक सम्मानजनक निर्णय नहीं हो जाएगा, हम लोगों को प्रतिदिन यहाँ पर आना है और हड़ताल करना है। इसलिए सभी से निवेदन है, वकीलों द्वारा जिस तरीके से तोड़फोड़ और हमारे कर्मचारियों को मारा पीटा गया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, उसके वजह से जो है डाक विभाग के सभी कर्मचारी आज हड़ताल पर चले गए हैं। और उनकी डिमांड है कि जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, उस सरकारी संपत्ति की सुरक्षा प्रदान की जाए प्रशासन द्वारा। दूसरी चीज़, जो कर्मचारी वहाँ या किसी भी डाकखाने में काम कर रहे हैं, उनको भी जो है सुरक्षा प्रदान की जाए। गलत ढंग से जो FIR लिखाया गया है वकीलों द्वारा, उसको तत्काल वापस लिया जाए। और जो दोषी कर्मचारी है, जो CCTV में दिखाया गया है वकील या कोई भी जो भी उसमें CCTV कैमरे में आया, उसको पनिश किया जाए। ये केवल चार मांगे हम लोगों की मुख्य हैं और उसी के तहत जो है हम लोग इस कार्य को रखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग अपने को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। जब सरकारी संपत्ति सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ से सुरक्षित हैं। जिस हिसाब से उन्होंने आग लगाया, उन्होंने तो पूरा प्लानिंग किया हुआ था पूरे कचहरी को आग लगाने का, और अगर उस समय पूरे कचहरी में आग लग गई होती तो कम से कम 40-50 कर्मचारी हमारे अंदर काम कर रहे थे, सब जल के राख हो जाते हैं।